हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये देखिए, आज मैंने कितनी ही सुंदर सी स्कर्ट बनाई है। इस स्कर्ट को आज मैंने फ्रॉक कुर्ती से बनाया है। जो हमारी फ्रॉक कुर्ती ऊपर से बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, उसका जो घेरा था वो बच गया था, उससे आज मैंने इसे सिर्फ एक कट लगाकर इस स्कर्ट को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और बहुत ही अच्छा सा इसका घेरा है। सिर्फ एक कट, एक सिलाई लगाकर आज हमने बहुत ही सुंदर सी स्कर्ट बनाकर तैयार कर लिए है। तो चलिए इस स्कर्ट को बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसे बनाना तो मिनटों का खेल है, यानी कि बच्चों का। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वेस्ट पड़ी हुई कुर्ती में से ये फ्रॉक कुर्ती है, इसमें से आज हम बहुत ही सुंदर सी स्कर्ट बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आपके पास इस तरह की कुर्ती भी नहीं है तो आप तब भी इस स्कर्ट को बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगी और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से कुछ यूज कर ले तो ही अच्छा है। तो आज मैं बहुत ही धमाकेदार इसका वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्कर्ट का जो नीचे का पार्ट है वो ले लिया है, ऊपर का जो पार्ट है वो बिल्कुल ही खराब हो गया है। तो अब हम इसका नीचे का जो पार्ट है उसे ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे 7 साल की बच्ची के लिए बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो पहले हम इसमें मार्किंग कर लेंगे कि हमें कितने इसे लेना है। तो मैं इसे ले रही हूँ 20 इंच, जिसमें से 2 से 2.5 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। उसके बाद हम इसे जिसमें हम लास्टिक लगाएंगे उसमें फोल्ड करने में जाएगा हमारा। तो आप उस बच्ची की हाइट के हिसाब से जिसकी भी बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। तो ये हमारा 17.5 बचेगा। तो यहाँ पर 20 पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इसमें बीच बीच में हम 20 पर निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए, इस पर मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। ये देखिए, आपको एक लाइन दिख रही होगी इस तरीके से, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो अब हम इस मार्किंग को कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कटिंग कर ली है। सिर्फ हमें इसके इतने पार्ट की ज़रूरत है जो हमने इसमें से ले लिया है। और ये इसका जो घेरा है वो काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होगा। आप इसमें से फ्रॉक भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें से स्कर्ट बना रही हूँ। तो अब मैंने इसे इस तरीके से ले लिया है। अब हमें चाहिए इसके लिए इलास्टिक। तो इस तरीके से चौड़ी वाली इलास्टिक लेंगे और जितनी भी बच्चे की कमर है उससे हमें कम लेना है। जो बच्चे की कमर है वो है 19 इंच। तो अब हम यहाँ पर इसमें से लेंगे 14 इंच, 2 इंच हम और ज़्यादा ले लेंगे जिसे हम सिल सकें इस तरीके से। ये देखिए, इस तरह से रखकर इस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमारा आधा आधा इंच है, तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है और इस तरीके से ये कमर आएगी इस तरह से। तो अब मैं आपको फिर से नाप कर दिखाती हूँ। ये हमारा 9 इंच।
तो आपकी जितनी भी कमर है बच्चे की, उस हिसाब से आप उसमें से 4 इंच कम कर दें, उस हिसाब से आप इसे ले लें। अब हमारी जो लास्टिक है उसे हम इस तरीके से रखकर इस पर 2 सिलाई कर लेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से, तो ये देखिए इस पर मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं आपको फिर से इसे नाप कर दिखाती हूँ कि मैंने इस लास्टिक है वो कितनी ली है। तो यहाँ पर लास्टिक है हमारी 9 इंच, तो मैंने इसे 18 ले लिया है डबल करके। अब हमें जो ये हमारा घेरा है इसका जितना भी है वो हमें इसी में एडजस्ट करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अपनी इसे लेंगे और इस पर हम ये देखिए घेरे को हमें इस तरीके से लेना है और लास्टिक को हमें इस तरह से रखना है इस पर, और इस तरह से रखते हुए हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई करनी है। इसके चारों तरफ हमें इसे सिलकर तैयार करना है। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। जब हम सिल लेंगे तो सिलाई हमें लास्टिक पर नहीं लगानी है, हमें सिलाई को नीचे की साइड में लगाना है, लास्टिक को हमें ऊपर रखना है और सिलाई को हमें थोड़ा सा नीचे लगाना है। तो ये देखिए इस पर मैंने सिलाई कर ली है, ये देखिए और इस तरह से आई है, और इस पर मैंने डबल सिलाई कर ली है। तो एक कट लगाकर और एक सिलाई लगाकर आज मैंने कितनी ही सुंदर सी ये स्कर्ट बना ली है, काफ़ी अच्छा घेरा है इसका। तो अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी इसे कितना ही सुंदर सा इसका लुक आ रहा है। बहुत ही प्यारी सी ये हमारी स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है। तो आपने देखा होगा वेस्ट पड़ी हुई फ्रॉक कुर्ती से हमने कितनी ही प्यारी सी ये स्कर्ट बनाकर तैयार कर ली है, जो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर आप इस तरह की स्कर्ट बनाना कपड़े से सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी सी ये हमारी स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है, और इसे आप बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बनाया हुआ है। काफ़ी प्यारी है, काफ़ी सुंदर लग रही है, काफ़ी सुंदर सा लुक आया है इसका। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए कितनी ही प्यारी लग रही है, ये देखिए इसका जो घेरा है वो कितना ही अच्छा आया है। बहुत ही प्यारी ये स्कर्ट लग रही है और बहुत ही सुंदर सी हमारी ये स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है। आपने देखा होगा इस स्कर्ट को बनाना। तो ये देखिए कितना ही अच्छा इसका घेरा है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से ये बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।